एकता कपूर की नागिन 6 12 फरवरी से टेलीविजन पर दस्तक दे चुकी है और लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिलते हुए देखा जा रहा है। आज हम इस वीडियो में नागिन 6 की कौन सी किरदार सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई और कौन सी किरदार ने पहले ही एपिसोड में लोगों के दिल जीतने में कामयाब रही, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले है। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नागिन फैंस के इतने दिनों का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि बीते दिन एकता कपूर के सुपर नेचुरल शो नागिन 6 ने टीवी पर धमाकेदार एंट्री कर ली है। नागिन 6 जब से टेलीविजन पर ऑन एयर हुआ है, हर कोई बस नागिन की ही बोल बोल रही है। नागिन 6 की एपिसोड देखने के बाद सोशल मीडिया पर मानो तहलका मच गया है। जहाँ एक और तेजस्वी प्रकाश का नागिन अवतार देखने के लिए फैंस बेताब हुए जा रहे हैं, तो वही दूसरी ओर महक चहल की नागिन लुक से फैंस काफी इम्प्रेस होते हुए दिखी। कुछ लोगों को नागिन का पहला एपिसोड बहुत ही पसंद आया, तो वही कुछ लोग इस शो को कमियां निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। शो के पहले एपिसोड में मनीष जोरा एक प्रोफेसर के किरदार में देखी गई। मनीष जोरा के किरदार को लेके जहां कुछ फैंस उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, तो वही तेजस्वी प्रकाश, महक चहल और सिम्बा के किरदार को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिम्बा नागपाल इस शो में एक फौजी के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो एक सच्चा देशभक्त है और जो अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर बात करें तेजस्वी प्रकाश की, जो कि इस शो की मेन लीड एक्ट्रेस है, उन्हें हर सीजन की तरह ही इस सीजन में भी एक सिंपल लड़की के कैरेक्टर में देखने को मिली, जो अपने ही पिता की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। फिलहाल तेजस्वी प्रकाश की नागिन लुक अभी तक रिवील तो नहीं किया गया है, लेकिन तेजस्वी प्रकाश की नागिन लुक को देखने के लिए नागिन फैंस काफी एक्साइटेड होते हुए देखा जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नागिन के अब तक 2 एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं और दोनों ही एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश, जो इस शो की फर्स्ट मेन लीड एक्ट्रेस है, उनसे कई ज्यादा महक चहल को ऑडियंस पसंद कर रही है। महक की नागिन लुक ने मानो ऑडियंस को अपनी ओर खींचने में एक रामबाण की तरह काम किया। तेजस्वी प्रकाश, महक चहल और सिम्बा नागपाल के अलावा और भी कई किरदार जैसे कि उर्वशी धोलकिया, सुधा चंद्रन, अभिषेक वर्मा भी पहले 2 एपिसोड में नजर आए, लेकिन टेलीविजन की जानी मानी हस्ती होने के बावजूद इन तीनों के किरदार ने अभी तक इतना इम्पैक्टफुल छाप तो नहीं छोड़ा। वेल, अगर पहले एपिसोड के साथ इनके किरदारों को कम्पेयर किया जाए, तो पहले एपिसोड के हिसाब से इनके किरदार ठीक ठाक ही रहा। तो ये रहे नागिन की अब तक वो किरदार जो नागिन सीजन 6 की पहले 2 एपिसोड में हाईलाइट होते हुए दिखी। वेल, आपके हिसाब से नागिन की कौन सी किरदार सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई और कौन सी किरदार ने आपकी दिल को जीता, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही।